कुछ अच्छा हुआ 5 साल में कुछ एक एक चीज। अच्छा आपको, आप तो खुद 14 सितंबर आप तो खुद देख रहे हैं कि क्या अच्छा हुआ, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक जनता की बात कर रहा हूं, मुझे पता है, वो जानता हूं। ठीक है, 5 किलो गेहूं दे के बेच महिला 200 रुपया किलो तेल सरसों का, 1000 के पार सिलेंडर चल गए भैया, गल की ना गल के इनकर जो ललका सड़मा रहे घुमत रहे 5 किलो गेहूं किसान के दे के 50 किलो गेहूं। अच्छा, सार यहाँ मुद्दा है। हाँ, सार तो मुद्दा है भैया, यहाँ पे किसान बर्बादी हो रही है। हाँ, बर्बादी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, किसान हो रहा है, रात भर टार्च मार के देख रहा है, अपने खेतों का पहरेदारी कर रहा है, फिर भी उनका खेत चला जा रहा है। आपने अगर अगर बनाए तो व्यवस्था बनाइए, उनको घरों में रखिए, उनको व्यवस्था बना के आपने कहा कि गौशाला में जाइए, देखिए कितने गौशाला में पड़े हुए हैं। कांग्रेस ने ही शुरू किया था विकास, कांग्रेस क्या वो कांग्रेस 1991 के बाद वो हाल हो गया। कांग्रेस कांग्रेस 32 साल कांग्रेस बेहाल, ये एक बोरोबीटा की तरह बन के रह गई। जब एनर्जी देना होता तो ये बीच में आ जाती है, कहते हैं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा था तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनकी जो ट्रेडमार्क थी, जो उनके पोस्टर पे था, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पॉइंट हो जाती। यहाँ से कांग्रेस का जनाधार क्यों खसक गया? हाँ, जनाधार इसलिए खसक, इनके गुटबाजी से खत्म हो गया। अच्छा, जनाधार जो खत्म हो गया, कांग्रेस के जो वॉलंटियर थे, जो वर्कर थे, वो पुराने हो गए। अच्छा, उनकी उम्र 65 साल 70 साल 85 साल, युवा लोग नहीं जुड़े इनसे। क्यों, वजह क्या? वजह ये कि गुटबाजी इनकी। अच्छा, सदर सीट को लेकर जो इस वक्त घमासान चल रही है, अब्बास जो है वो कह रहे हैं कि हम जितने जितने वोट मिलेंगे भाजपा को उतने से हम जीतेंगे, है ना। खैर, हर कैंडिडेट कहता है, लेकिन चौक पे हम बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि नहीं, इस बार हराया जाएगा। देखिए, ये जो स्लोक है 30 साल से चला आ रहा है, ये बताइए कि कांग्रेस के पास यहाँ पे वोट है? भीम राजभर चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट भीम राजभर पे डाई वोट हो रहा है। 2012 में चुनाव ये हो चुका है, और उस वक्त भी मुख्तार अंसारी 8400 वोट से चुनाव जीत चुके थे। मुख्तार अंसारी का वंश जो है, अब्बास अंसारी, ये 50,000 वोटों से चुनाव जीतना, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जाने वाला अब्बास अंसारी विधायक होगा। अच्छा, रिकॉर्ड बनाएगा। हाँ, रिकॉर्ड बनाएगा। और जो बाबू जी का विरोधी है, वो पुत्र का विरोधी होगा। बाबू जी के विरोधी तो 30 साल से घूम रहे हैं, मगर बाबू जी तो 30 साल से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, और वो पुत्र के अगर विरोधी हैं तो इससे अपना अब्बास अंसारी घबराने वाला है, अपने मऊ सदर की जनता घबराने वाली है, और जितने पाएंगे उतने ही से अब्बास अंसारी जीतेंगे। अच्छा, एक इल्जाम और लगा कि क्या हुआ, एक इल्जाम और लग रहा है कि इस बार मुख्तार अंसारी को खतरा था कि वो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने बेटे को दांव पे लगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब ये कोई खतरा उतरा नहीं है। मुख्तार अंसारी की उम्र भी हो चुकी है, और भी आगे अभी आने वाले लोकसभा चुनाव हो सकता है मुख्तार अंसारी जी उसमें आ जाए, अभी सरकार बदलने के बाद और भी कुछ पदवी उनको दे दी जाए। अच्छा, तो जो बार बार ये कहा जा रहा है, अब राहुल गांधी बीच में लाए जा रहे हैं, है ना, कि मतलब ये घर की सीट बना ली गई है और इस बार ये नहीं चल पाएगा। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी तो कहीं से है ही नहीं, नहीं राहुल गांधी कहाँ से बीच में। अरे, बात नहीं समझ वो, हाँ, वो परिवारवाद की जो आप बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी बना परिवारवाद, तो परिवारवाद तो वहाँ भी आए थे 2017 में, मोदी जी ने कहा था कि कटप्पा, तो परिवारवाद उस वक्त भी इन्होंने भाषण दिया था, मगर कुछ चला नहीं, चला तो भी विधायक मुख्तार अंसारी भाषण। लड़ाई किससे है? लड़ाई हमारी बहुजन पर अब्बास से, भीम राजभर से, और अब्बास अंसारी से लड़ाई के बीच लड़ाई। हाँ, भाजपा तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं, भाजपा है ही नहीं, हाँ कांग्रेस है ही नहीं, है ही नहीं। और हमारे जो गमछा भर समाज पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने समर्थन करके 2 साल सरकार चलाई और मंत्री रहे मंत्रिमंडल में, मगर इन्होंने जाति जो समाज की जो लड़ाई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे नेताजी ओम प्रकाश राजभर कहते रह गए कि आप जातीय जनगणना करवाएं, नया सामाजिक समिति की रिपोर्ट आप लागू करें, उस पे हमारे मंत्री जी हटके भारतीय जनता पार्टी से समर्थन तोड़ के समाजवादी पार्टी के अंदर गठबंधन करके आज देखिए पूरा प्रदेश चिल्ला रहा है। यहाँ सम्मान मिल रहा है उनको? हाँ, बिल्कुल सम्मान मिल रहा है, एक एक बच्चा सम्मान में ही, वही सम्मान छड़ी पर जाएगा विधानसभा तक, 2022 का विधानसभा जो अब्बास अंसारी, वही छड़ी निशानी सम्मान। जहूराबाद में क्या हालत है, मतलब जहूराबाद में तो 30,000 वोट से जीत रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, आप पता करिए। वहाँ की जनता तो कुछ और ही कह रही है। कोई जनता कुछ नहीं कह रही है भैया, वहाँ से भागे हुए इसके पहले चरण वो बहुजन थे, और प्लस सदा फातिमा जो आई हुई है, ये तो खुद ही नाराज होकर समाजवादी से निकल के शिवपाल पे गई, शिवपाल से खत्म करके आप बहुजन समाज पार्टी पे आई हुई है, इनकी कहाँ लड़ाई वहाँ पे चल रही है? अच्छा, ये तो वहाँ पे लड़ाई तो बस भाजपा और ओम प्रकाश राजभर जी में चल रही है। अच्छा, और कहाँ चल रही है? अच्छा, लड़ाई नहीं चल रही है, राजभर जी है। हाँ, राजभर जी है, और हाँ मुद्दा यही है कि महंगाई बेरोजगारी। अच्छा, जो महंगाई बुनकर है, नोटबंदी के बाद सारे बुनकर खत्म हो गए,
जो बिजली का बिल, पासबुक, फ्लैट रेट बिल जो था उसको भी योगी जी खत्म करने का काम कर रहे थे। अगर सरकार आएगी तो बुनकरों को भी देखना पड़ेगा। भाजपा के समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, आप लोग पीछे हट रहे हैं। हाँ, राम मंदिर बनवा दिया, पीछे हट रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि गोबर बेच के करोड़पति बनिए, आप भी जाइए भैया, किसी सांड को पकड़िए, आप रिपोर्टिंग छोड़िए और करोड़पति बन जाइए। गोबर बेच के करोड़पति बन जाइए, रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए आप। इसलिए कि गोबर में इतना अन्न ये आ रहा है कि मोदी जी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप गोबर बेचिए और करोड़पति बन जाइए, और योगी जी कह रहे हैं कि एक गाय रखिए 900 रुपया देंगे तो 5000 रुपए का उनका सवाल। यही मुद्दा उनका बेरोजगारी का सवाल है। युवा बेरोजगार है, ये सरकार आते ही कहाँ से नौकरियां लेके आएगी? आपने सही मुद्दा कहा, एक सवाल ये है ना। अखिलेश जब सरकार में थी तो जितने भी आपने देखा होगा, बीटीसी का हुआ चाहे कुछ भी हुआ, इन्होंने नौकरी दिया, इन्होंने जितनी भी परीक्षा करवाई नौकरी के नाम पे सबका पेपर लीक हो गया। इनकी परीक्षा हुई, आपने देखा कि बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, आधे घंटे के बाद ये आया सूचना कि ये आपका पेपर रद्द हो गया, इसलिए कि ये पेपर लीक हो गया। भैया 5-6 परीक्षा इन्होंने कराया मगर सफल नहीं हो पाए। और जो लड़के 2017 में जो मोदी का जो नारा दिया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, किसी को मिला हो तो बताइए आप, तो वही लड़के जो हैं आज मोदी को हटाना चाहते हैं, इसलिए कि उनकी आयु 30 साल थी जब क्वालिफिकेशन किए हुए थे, आज उनकी 42 साल की उनकी आयु निकल गई है, तो कहां से उनको नौकरी मिलेगी? लेकिन अखिलेश ने कहा था कि हम आयु, सुनिए इधर, आयु की भी बात आई तो उसको भी हम उसमें समाधान लाएंगे कि आयु भी बढ़ा गया घटा के उनको नौकरी देंगे। ये बताइए, इस प्रदेश में बहुत अच्छे से हिंदू मुस्लिम का सिलेबस चल रहा था, है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खूब चल रहा था, क्यों अब नहीं चलेगा? क्यों चलेगा? आपने देखा है कि 20 और 80 की लड़ाई होगी जी, बताया पश्चिमा में, आपने देखा है कि वहाँ पे गुज्जर जाट मुसलमानों ने जय बोल के मार दिया, 58 सीट में 53 सीट इनकी थी, तो 45-48 सीट हमारी आ रही, बाकी अन्य लोगों की आ रही, भाजपा की आएगी नहीं। धार्मिक आस्था खत्म हो गई, खत्म होगी भैया। देखिए, धर्म खाने के लिए नहीं देता है, मंदिर चढ़ावे के लिए होती है और मंदिर में आस्था होती ये है। बात वो राजनीति है, सुनिए, वो रोजगार नहीं होता, मस्जिद आस्था होती है, राजभर जी मस्जिद पार्टी इबादत में थे। करने की जगह होती है, वो इबादत नहीं होती। राजभर जी उसी पार्टी में थे, उसी पार्टी में थे। हाँ बिल्कुल, देखिए राजभर जी ने जो कहा था वो आपको फिर खुला बता दे रहे हैं। राजभर जी ने कहा था कि आप जाति जनगणना करवाइए, हमारा गठबंधन इस पे होगा, आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आप लागू करवाइए, इस पे होगा। जब उनकी नहीं हो पाई तो इन्होंने कहा कि चलती सरकार में कि योगी जी हमारे आदमियों का काम नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा लीजिए, वो इस्तीफा देके चले आए और गठबंधन से अलग हो गए। उसी की लड़ाई अब तक चली आ रही है जो समाजवादी से गठबंधन लिखा हुआ। जातिगत जनगणना होगी? हाँ बिल्कुल होगी, 3 सरकार बनने के बाद 3 महीने के बाद जाति जनगणना स्टार्ट होगी। और क्या क्या होगा? न्याय समाज समिति की रिपोर्ट लागू होगी, जो पर जो खाली है सरकारी युग में उनको भरा जाएगा। आप देख रहे हैं अखिलेश भी और ओम प्रकाश राज भी कर रहे हैं। बुनकरों को जो फ्लैट रेट का पासबुक है उनको बहाल कराया जाएगा 2006 के से जो चला आ रहा है। ये सारी चीजें हैं मैनिफेस्टो में और सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर सारी चीजें लागू कर। कॉलेज यूनिवर्सिटी का लेके कुछ? हाँ बिल्कुल, अब जा रहे हैं हमारे विधायक जी, यहाँ पे जो होगा उसको देखा जाएगा, फिर 10 तारीख के बाद आप आइएगा, करेंगे जय भारत। एक इल्जाम और लगता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि हम लोग भी वहीं से निकले हुए हैं, तो एक इल्जाम लगता है कि अखिलेश आ जाते हैं तो नकल वकल होने लगती है। भैया देखिए, ये तो आप परीक्षा करके आपको बखूबी मालूम होगा, हमको तो होगा नहीं। हम अखिलेश के जमाने में जब थे तो हम कॉलेज में थे नहीं, आप करके आए होंगे तो आपको बखूबी मालूम होगा। नहीं नहीं, हम तो दिल्ली थे, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात ना। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, आपने देखा कोरोना काल तब तक हमारे बच्चे जो शिक्षित हैं और कॉलेज क्या गुंडे ही बढ़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये सब तो कहने और सुनने की बात है, गुंडे ही बढ़ जाती है, नहीं तो टेनी बैठे हुए हैं उनके लड़के किसाने के ऊपर छाती पर। अभी आपने देखा है कि किसान आंदोलन में वो गुंडे ही थी, ये गुंडे ही नहीं है जो गाड़ी चला दिया गया। तो फिलहाल आखिरी बात है कि मूड यहाँ पे क्या है? मूड वही है, 7 तारीख का जो चुनाव होगा आखिरी चरण का, अब्बास अंसारी महागठबंधन और जनता, उसके अलावा कुछ सुनने वाली नहीं है।